सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को रांची सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। कोर्ट में पेश करने से पहले आईएएस छवि रंजन का मेडिकल जांच सदर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया गया। छवि रंजन का बीपी, शुगर, पल्स सभी सामान्य हैं। उनका कोविड टेस्ट भी निगेटिव आया है। जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन गुरुवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ऑफिस पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों ने 10 घंटे तक पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी द्वारा छवि रंजन से हेहल अंचल के बजरा मौजा के 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी और उसके दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय से गायब पाए जाने के मामले को लेकर पूछताछ की। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।